आज ही के दिन 1837 में कनाडा में अश्वेत नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिला। आज ही के दिन 1855 में पहली बार लंबी दूरी का टेलीग्राम संदेश कलकत्ता से दिल्ली भेजा गया। आज ही के दिन 1878 में ब्रिटिश जहाज यूरिडाइस डूबा, जिसमें 300 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन 1882 में घातक संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान हुई। इसका पता लगाने वाले वैज्ञानिक बैसिलस रॉबर्ट कॉक को बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आज ही के दिन 1883 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहली बार फोन से बातचीत हुई। आज ही के दिन 1932 में अमेरिका में पहली बार चलती ट्रेन से रेडियो प्रसारण हुआ। आज ही के दिन 1959 में इराक ने बगदाद संधि से खुद को अलग किया। आज ही के दिन 1977 में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी और मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन 1990 में भारतीय सेना श्रीलंका से स्वदेश लौटी। आज ही के दिन 1993 में एजर विजमैन इजराइल के राष्ट्रपति चुने गए। आज ही के दिन 1999 में पीएन भगवती दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के उपाध्यक्ष चयनित हुए। आज ही के दिन 2003 में तपेदिक की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इसके नियंत्रण के प्रयासों को जारी रखने के लिए दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। और आज ही के दिन 2013 में पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में एक सैन्य चौकी पर हुए आत्मघाती हमले में 17 सैनिक मारे गए।